अब कोई तो आए ऐसा कोई मिले कि जो इस सिंहासन को संभाले, आगे की पीढ़ी दर पीढ़ी से चलाए। बहुत विचार कर रहा था, सोच रहा था, फिर जो मंत्री उसके पास में रहता था, उसने मंत्री से कहा कि हे मंत्री, देखो तुम्हारे नजर में कोई है क्या ऐसा, ढूंढो जाकर के। अब मैं व्रत हो गया हूँ, आगे जाकर के इस सिंहासन को, इस राज्य परंपरा को व्यवस्थित चलाना तो पड़ेगा ना। तो कोई ऐसा हो जो अच्छा न्यायपालक हो, सबका ध्यान रखने वाला हो, सबकी व्यवस्था करने वाला हो, सबकी जरूरतों को पूरा करने वाला हो, सबकी दीन दुखियों के दुखों को मिटाने वाला हो। तो काफी समय निकलता गया। एक दिन क्या हुआ कि दो बालक, दो युवा को लिए थोड़ा सा उनकी परीक्षा करी मंत्री ने, तो कुछ मन में लगा कि शायद देखते हैं, लेके जाते हैं राज दरबार में और राजा के सामने रख देते हैं, फिर राजा को जो करना होगा तो करेंगे। लेके गए राज दरबार में, राजा को बोला कि राजा ये आपके सामने ला करके रखे हैं, आप इनकी परीक्षा कर लीजिए। राजन इतने न्यायशील उदार हृदय थे कि उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने परीक्षा नहीं करी, उन्होंने कहा आप लोग बहुत दूर से चल के आए हैं, बहुत थके हुए होंगे, रात्रि विश्राम करिए और सुबह आपको आपकी परीक्षा दी जाएगी। तो दोनों चले गए। अब उन्होंने उसके आसन, उनके भोजन का सबका ध्यान रखा गया। रात्रि निकली, उन्होंने बहुत आपस में चर्चा चल रही थी कि सुबह होगी तो क्या होगा, राजा किसका निर्णय करेगा, क्या बोलेगा, क्या कहेगा। अब रात्रि तो नींद तो किसको आएगी। सुबह उठे, दरबार में पहुंचे, राजा ने कहा आपको 1 रुपए हम देते हैं, इस 1 रुपए को लेकर के जाओ और पूरे नगर में भ्रमण करो और देखो वहां पर ऐसी कौन सी चीज है जिसे ला करके, ये बाजू में कमरा बना हुआ है, इस कमरे को भरना है। अब 1 रुपए भी लेके जाना है, उस कमरे को भी भरना है, और राजा की नजरों में ऊंचा उठ करके उस पत्नी को भी, यानी राज सिंहासन पर बैठना है। अब क्या करेंगे, दोनों चल पड़े 1 रुपए लेकर के पूरे नगर गांव में ढूंढते गए, घूमते गए, घूमते गए। अब एक जो युवा था उसने बोला, दोनों आपस में चर्चा करें, बोले एक काम करते तू उस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ। दोनों चले गए, अब घूमते घूमते वो पहुंचा, इधर देखा उधर देखा, दुकानों में गया, क्या मिलेगा, इतनी सारी चीजें हैं लेकिन 1 रुपए में क्या मिलेगा जिससे पूरा कमरा भर जाए। फिर वो अचानक से देखता है कि एक कोने में खूब सारा कचरे का ढेर है, इतना सारा कचरे का ढेर पूरा भरा हुआ है। तो उसने सोचा चलो अपन इसी को उठा करके लेके जाते हैं, राजा के सामने रख देते हैं, राजा खुश भी हो जाएगा और उसमें फिर पैसा भी नहीं लगेगा, पैसा भी राजा को दे दूंगा और मेरा काम भी हो जाएगा। देखो ऐसे कई दुनिया में ऐसे होते हैं जीव जो दिखाने के लिए सेवा करते हैं कि मैं ऐसी सेवा करूंगा तो राजा खुश हो जाएगा, मैं ऐसी सेवा करूंगा तो गुरु खुश हो जाएंगे। अपने कर्तव्यों को व्यवस्थित रूप से नहीं करते, अपने कर्तव्य आचार्य कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को करते रहिए, आगे जाके स्वयं अपने स्वयं अधिकार मिल जाएगा। तो उसने सोचा कि इतना सारा कचरे का ढेर लेकर के जाता हूँ, राजा को दे दूंगा और पैसा भी दे दूंगा, पर ठीक है चलिए। अब दूसरी तरफ जाते हैं, अब दूसरी तरफ जो दूसरा युवा था बहुत विवेकी, समझदार, अचर्ष बोलते प्रज्ञावान, प्रज्ञावान जीव था, और पहुंचा एक बहुत बड़े गार्डन में। सोचा क्या ऐसी चीज लूं जिससे पूरा कमरा भर जाए, सोच रहा रहा अचर्ष बोलते धैर्य के साथ काम करना चाहिए, पूरी सजगता के साथ काम करना चाहिए, अपने आप अपने जीवन का कल्याण हो जाता है, सभी काम अपने आप हो जाते हैं। तो उसने बहुत धैर्य से सोचा, बेचारा 5 मिनट 10 मिनट लगे, पर उसने सोचा कि 1 रुपए में क्या लूं, पर इस गार्डन में तो कोई है नहीं, चलो इस गार्डन बहुत सारे क्या थे वहां पे, गार्डन में क्या होते हैं, पुष्प। तो वो पुष्प लेकर के खूब सारे पुष्प उसने थैली में भर लिए और ले लिए, और जब मार्केट में पहुंचा, दुकान गया, तो वहां पर उसने 1 रुपए की खूब सारी मोमबत्ती ले ली, क्या कैंडल, उसने बहुत सारी मोमबत्ती ले ली और
खूब सारे फूल ले लिए और ले गया, वो अपनी तरफ से लेकर गया, वो अपनी तरफ से लेकर गया। उसने कमरे को पूरे फूलों से सजा दिया, पूरी मोमबत्ती से जगमगा दिया। फिर राजन का जब वहां पर प्रवेश होने वाला था तो राजा जैसे ही पहले सोचा चलो इस युवा के पास जाते हैं, तो जा ही रहा था, कदम बढ़ा ही रहा था, फिर कदम बढ़ते भी कैसे इतनी दुर्गंध आ रही थी कि राजा के कदम नहीं पड़ रहे थे। पर चुनाव तो करना पड़ेगा, तो चुनाव करने के लिए राजा जैसे जैसे कदम बढ़ा रहा था पर बदबू से उसका बिल्कुल हाल बेहाल। जैसे ही कमरे में पर दरवाजा खोला कि अंदर तो जाना ही नहीं था, तुरंत उल्टे पैर बाहर हो गया। अब दूसरी तरफ चलो भाई दूसरे का भी चयन किया जाए, भाई क्या हुआ। अब दूसरे के जब कक्ष में पहुंचा तो देखा बाहर से इतनी सुंदर खुशबू आ रही है, कुछ तो कारण है। जैसे ही पद पढ़ाते गए खुशबू आती गई और अंदर गए तो सुगंधी के साथ में जगमगाता पूरा प्रकाश लहरा रहा है। राजा ने निर्णय कर लिया कि मेरे सिंहासन को संभालेगा तो ये युवा। तो कहने का तात्पर्य इस कहानी से यही सारा हमें जीते जाते कहानी है। युवा की सभी के जीवन में ऐसा पड़ा हुआ आता है कि काम तो करते हैं बहुत सारे, पर किस समय किस प्रकार से कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि श्रावक का अर्थ ही क्या निकलता है, श्रद्धावान विवेकवान और क्रियावान। तो विवेक के साथ काम करना, श्रद्धा के साथ पूरा काम करना और क्रिया भी व्यवस्थित होना उसके साथ में काम करना। चलाचार्य दुबर कहते हैं कि आचार्य दुबर के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि समय का सदुपयोग जो करना सिखाते हैं, हर एक एक समय को जो जीना सिखाते हैं, एक समय को जो बतलाते हैं कि समय का सदुपयोग करना सिखाते हैं, धैर्य पूर्वक बढ़ते रहिए यह शिक्षा बताते हैं। विवेक और मैनेजमेंट, आचार्य जी का मैनेजमेंट इतना भारी है कि जब प्रतिक्रमण, हमें एक चीज को थोड़ा सा ध्यान दें कि आचार्य जो बड़ा प्रतिक्रमण होता है तो उसमें कभी कुछ कम ज्यादा अगर हो जाते हैं तो आचार्य को बड़ा प्रतिक्रमण में 5-6 खंड जो आते हैं कि पंचम खंड चतुर्थ खंड जैसे 6 खंड आते हैं, उसमें जो पढ़ाना रहता है उसमें इसका मैनेजमेंट इतना भारी रहता है कि किसी का दिल भी ना दुखे और सबका पढ़ना भी हो जाए। तो इतना जबरदस्त मैनेजमेंट और विवेक का ये सदा पाठ पढ़ाते। पूरी शक्ति से तप करिए, सभी जीवों को अपने चर्या से दर्शाते, ये कौन कोई नहीं है मेरे आचार्य सुनील सागर कहलाते, मेरे आचार्य सुनील सागर कहलाते। तो राजा की कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि सभी कोई भी काम जीवन में करना है तो उसे सब पूरी पूर्ण विवेक के साथ में, पूरे धैर्य के साथ में और पूरी शक्ति के साथ में डटे रहना चाहिए। कि हम एक हो गए, हम पूरी शक्ति के साथ डट गए तो कोई भी हमें पीछे नहीं कर सकता। तो आपके लिए एक सूत्र है कि धैर्य धरिए निश्चल भाव संग, धैर्य धर निश्चल भाव संग पढ़ते रहो, सारे काम आपो आप हो जाएंगे। हे विवेक नगर के वासियों, धैर्य धर निश्चल भाव से आगे बढ़ते रहो, सभी काम अपने आप हो जाएंगे। पल के लिए सुगंधी सम्यक प्रकाश का संचार करिए, वैसे ही तो शुभता दिन आपके जीवन में लौट आएंगे, वैसे ही दिन आपके भी जीवन में लौट आएंगे। तो आपके भी जीवन में सम्यक सुगंधि और प्रकाश का संचार हो, इसी भावना से बोले परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का।